राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमी। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी बनाना है तो आप इस सेवई उपमा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत सारी सब्जियों के साथ कम तेल में सुपर हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों के टिफिन में आप इसे दे सकते हैं, आप सुबह शाम नाश्ते में इसे बना सकते हैं। 5 से 6 मिनट में रेसिपी बनकर रेडी हो जाती, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रखी कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब घी हम, और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सेवई ली है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, तो खुशबू आना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे धीमी आंच पे भून लेंगे। तो सेवैयाँ मैंने भून ली है, इसमें बहुत अच्छे कलर आ गए हैं। अब इसे साइड में प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर से मैंने वही कढ़ाई रखी, उसमें डाला 1 चम्मच के करीब तेल। अब इसमें 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला, 1/2 चम्मच राई डाला, उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इस रेसिपी में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज, प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। अगर आपके बच्चे तीखा खाना नहीं पसंद करते तो आप मिर्च मत डालिए। तो हमने हल्का गुलाबी प्याज भून लिया, उसके बाद इसमें डालेंगे ढेर सारी सब्जियाँ। तो सब्जी में गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर, टमाटर डाला है। आपके पास जो भी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे सब्जियाँ खाते हैं आप डाल के बनाइए, जो नहीं खाते उसे स्किप कर दीजिए। तो सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे बढ़िया से। लो फ्लेम पर ही सब्जियों को भूनना है, ये सब्जियां बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसे भून के ना अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे ताकि सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे चेक कर लेते हैं, तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा, कितना बढ़िया देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे ना स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जो भी सब्जी हमारी नई पकी होंगी नमक डालने से बढ़िया से पक जाएंगी, तो इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सब्जियां डाल के बनाइए, अगर बच्चे लोग नहीं पसंद करते तो आप हरी मटर प्याज भी डाल के इसे बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें कुछ मसाले डालेंगे, हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो हमको मसाले थोड़े ही डालने हैं। मसालों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। तो देखिए कितना ही कलरफुल लग रहा है, तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अपनी सेवइयाँ जो मैंने भून के रखी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप सेवई भून के ना डब्बे में रख देंगे, जब भी आपका मन करेगा ना तो आप फटाफट से बना सकते हो। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम डालेंगे 2 कटोरी, 1 कटोरी मैंने सेवई ली थी तो 2 कटोरी पानी डालेंगे। इसी हिसाब से जितनी आप सेवई लेंगे उसका 2 गुना आपको पानी डालना है। देखिए कितना बढ़िया से मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। जैसे उसमें उबाल आता है ना, हम गैस को धीमा कर देंगे एकदम। तो देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने गैस को एकदम धीमा कर दिया था। धीमा करके मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाया था। 2 से 3 मिनट में हमारी ये सेवई पक कर एकदम रेडी हो गई। तो सेवई उपमा हमारा बनकर रेडी हो गया है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही फेवरेट है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैं अपने बच्चे के लंच में इसे बना के देती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी रस भी डाल सकते हो, जब आप गैस बंद करिए तभी इसमें नींबू का रस डालिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे आपको पसंद हो आप सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फटाफट से किचन में जाइए और इसे बनाइए, सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाती है, बहुत कम तेल में हेल्दी नाश्ता। तो आप सभी को बनाकर खिलाइए और बहुत सारी तारीफें बटोरिए। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी
सेवई उपमा। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।